विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो कुछ व्यवस्थाएं तो आपके लिए की गई है, विज्ञापन हर मौके पर किया जाता ही है, आपके सामने बातें अलग अलग ढंग से रखी जाती है कि आपके अंदर वह प्यास जगे कि ये चीज़ हमें चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें, विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें, सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें, प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं, कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार, यह अंतराल सबको मिले जहां वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाए। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए, कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम आनंद मौन छा जाए, सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हो। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है।
ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अब आइए संदेश के इस भाग में हम ये समझें कि मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं होता। मोक्ष क्या है,
कहाँ है, अर्थ क्या है, पुराना अर्थ क्या लिया गया, आज अर्थ समझा हमने सही, तो फिर ये मिलता क्यों नहीं, लोगों को क्यों नहीं मिलता? तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि चारों तरफ जो एडवर्टाइजमेंट चल रही, विज्ञापन चल रहा है, मोक्ष का नहीं चल रहा, मोक्ष का विज्ञापन कोई नहीं कर रहा। जाकर देखो, घूम कर आओ, कितने विज्ञापन मोक्ष के मिलेंगे। मोक्ष का विज्ञापन अगर हो रहा होता तो क्या होता? अब कहीं भी जा रहे तो पोस्टर लगे हुए है, महाआसमानी शिविर हाउसफुल, फिल्मों के पोस्टर्स देखते हो ना, जैसे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां कहां। तो लोगों को क्या उत्साह आ रही है, हमें भी करना है, हाउसफुल जा रहा है, ये हमें करना है। मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है। कब मरेगा लंकापति द्वितीय, कब मरेगा लंकापति द्वितीय? पहला लंकापति आप जानते स्टोरी में, रावण जो था वो पहला था, द्वितीय जो हमारे अंदर है, मन जो है, लोग कहेंगे हमने रावण जलाया, रावण मारा, तो वो तो पहला वाला था, द्वितीय कब मरेगा? दूसरा वाला मरना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर तोलू मन तुलना करने वाला, वो मर, लंकापति जो है वो मरना चाहिए। ऐसी एडवर्टाइजमेंट हो रही होती तो जोरदार टीवी पर सीरियल चल रहा होता, एक घंटे का प्रोग्राम, तो क्या होता? और कैसे प्रश्न पूछे गए होते, तो कितनी उत्सुकता जागती कि मोक्ष चाहिए, मगर ऐसी अड़ नहीं होती। इसलिए फिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस तरह की व्यवस्था करो, अपने मित्रों को कहो कि वो आपके लिए विज्ञापन करें। अगर आपके सच्चे मित्र हैं, अगर वे आपके सच्चे रिश्तेदार हैं, अगर वे वाकई आपसे प्रेम करते हैं, तो उनको आपके लिए विज्ञापन बनाने चाहिए, अलग अलग पंक्तियाँ। लोग कितने पंक्तियों से मोटिवेट होते, उनको याद रखते, बोलते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं विज्ञापन याद रहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ही ऐसे किए जाते और बार बार हैमर किया जाता है, बच्चों को भी याद हो जाता है। तो अपने मित्रों को कहना होगा ना कि हमारे लिए करो विज्ञापन, और वो मित्र बाकी आपके मित्र है तो वो करेंगे। तो कैसी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी? तो कुछ व्यवस्थाएं तो आपके लिए की गई है, विज्ञापन हर मौके पर किया जाता ही है, आपके सामने बातें अलग अलग ढंग से रखी जाती है कि आपके अंदर वह प्यास जगे कि ये चीज़ हमें चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। हम मानकर बैठे थे तो आगे है, कहीं मरने के बाद है तो बैठे रहे, मगर इसी जीवन में है तो फिर तुरंत इमरजेंसी आती है कि हमें प्राप्त करना है। तो कारण समझ में आ गया कि उसका विज्ञापन नहीं होता। जो पेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जो साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, उसकी एड जब टीवी पर देखते हो तो कैसा लगता है? अरे हाँ, ये मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, ये मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। तो जब मोक्ष की आएगी तो आप क्या कहोगे? तो विश्व को अगर पूर्व अवस्था में ले जाना है, विश्व को अगर पूर्व अवस्था में ले जाना है जहाँ से शुरुआत हुई, तो कितना बड़ा कार्य आपके सामने है। कठिन है लेकिन और वह निर्णय अनुभूति से, अभिव्यक्ति से निकले। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।